आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनसेवा केंद्र संचालकों ने जिला अधिकारी के माध्यम से ही मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। जनसेवा केंद्र संचालकों ने पहले प्रदर्शन किया, बाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हमारे संवाददाता की बताया कि ग्राम पंचायत सहायक ऑपरेटर भर्ती में जनसेवा केंद्र संचालकों को वैधता दी जाए, क्योंकि हम जनसेवा केंद्र के द्वारा सरकार के सभी डिजिटल योजनाओं को जनता तक सीधे लेकर जाते हैं, इसलिए अलग से नई ग्राम पंचायत सहायक ऑपरेटर की भर्ती ना करते हम जनसेवा केंद्र संचालक को लगाए जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से धर्मेंद्र मिश्रा। आज आपने जो ज्ञापन दिया है ग्राम पंचायत ऑपरेटर के, क्या मामला? पूरा मामला ये है कि सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पंचायत घर में जो वैकेंसी निकाली है उसके विरोध में हम लोग पीएससी वेली एकजुट हुए हैं और ये धरना दे रहे हैं कि हमारी मांगे जो है प्राथमिकता के तौर पे लिया जाए, क्योंकि हम लोग 10 साल से काम करते चले आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पीएमजी दीता हो, हमने बहुत सी सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचाई हैं, जहाँ की यहाँ तक कि बैंक का काम कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जाके पैसे निकाले हैं। बहुत से ऐसे सरकारी जो काम है, जो गैर सरकारी भी काम हम लोग कर रहे हैं, मगर हम लोगों को अनदेखा करके सरकार ने जो पंचायत ऑपरेटर की भर्ती निकाली है ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को प्राथमिकता के तौर पे हमें सबसे पहले ले। अच्छा, एक बात भाई, आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। क्या क्या पद है आपके पास इसमें? मैं बीएलयू हूँ। अच्छा, बीएलयू हैं? मैं बीएलयू हूँ। अच्छा, तो जैसे आपकी सरकार क्यों नहीं मांगे मान रही? सरकार नए लोगों को भर्ती इसलिए दे रही है कि सरकार अपने आपको वरीयता क्यों नहीं दे रही के चक्कर में जो है नई भर्ती कर रही। आपको वरीयता क्यों नहीं दे रही? वरीयता इसलिए नहीं दे रही कि हम लोग सरकार सोच रही है कि हम लोग पहले से ही कार्यरत है, इसलिए नए लोगों को भर्ती देना। नहीं तो क्या आपके पास योग्यता नहीं है पूर्ण? नहीं, हम लोग पास सब लोग लेवल, यहाँ तक कि एमटेक करे हुए हमारे तो बिजली भाई लोगों को भरा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपकी मांग ना मानी गई तब आप क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे, यहाँ तक कि अगर लखनऊ चलने की लखनऊ में धरना देने की बात आएगी लखनऊ में देंगे। कोर्ट का, अगर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो हम लोग कोर्ट का भी सहारा देंगे।